नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। जैसे आपको पता है कि 2 जुलाई को बिहार डीएलएड की जो फर्स्ट मेडलिस्ट है वो आने वाली थी, तो दोस्तों वो पोस्टपोन्ड हो गया, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कल ही के डेट में। क्योंकि 2 तारीख की मेरिट लिस्ट इसकी यानी कि कट ऑफ जारी होने वाली थी कि कितने कट ऑफ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन होगी, कितने कट ऑफ हो तो इतने कैंडिडेट के एडमिशन होगी, तो दोस्तों वो कैंसिल हो गया। अब हम जानेंगे एक्सपेक्टेड डेट कब तक है कि नई नोटिस जारी हो जाएगी, और बता देंगे कि कब तक डेट आएगी जो बिहार डीएलएड के जो प्रथम मेरिट लिस्ट है अब कब तक आएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार डीएलएड पिछले 2 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, तो 2 साल से मैं यही देख रहा हूँ कभी भी इनकी नोटिस सही तरीका से नहीं चलते, कहीं ना कहीं तरीका से वो नोटिस फेल कर देता है, वो हर बार पोस्टपोन कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपके एडमिशन में लेट होने वाली है, तो हम जा रहे हैं बिहार डीएलएड में एडमिशन 2024 या 2026 सेशन में आप लेना चाहते हैं। तो आपको पता है कि आपकी प्रथम मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को आने वाली थी, जो कि अब नहीं आई। ये डेट हो गई आपकी फेल। अब न्यू डेट कब तक आएगी, जो कि एडमिशन जो आज से स्टार्ट होने वाली थी, 3 तारीख से आपके एडमिशन होने वाली थी, ये भी डेट हो गई फेल। अब तो अब नई डेट, क्योंकि आपको नोटिस देखा ही हुआ, इस नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस नोटिस में बताया गया किसी कारणवश ये जो प्रथम लिस्ट है 2 जुलाई को नहीं जारी किया जाएगा। अब नई सूचना आने तक आपको प्रतीक्षा करना है, यानी कि जब भी नया ऑफिशियल वेबसाइट पर नई नोटिस जब तक नहीं आती तब तक इसकी कोई डेट फिक्स डेट नहीं है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग लेके चलते हैं कि वन एक दिन में नोटिस जारी आ जाएगा। मतलब मान लीजिए 4 से 5 दिन में नोटिस आ जाएगा। जब भी नोटिस आएगी तो आपको हम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। अब आएगी पूरी शेड्यूल जो उसने जारी कर दी थी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 तारीख को आएगा, इसके बाद 12 तारीख को, इसके बाद 18-19 तारीख को, यानी कि 23 जुलाई तक पूरी जुलाई में आपको सारा स्पोर्ट एडमिशन शेड्यूल पूरा जारी कर दिया। तो पूरा शेड्यूल के मैंने लेकर भी वीडियो बनाते हैं, जैसे ये शेड्यूल आप देख सकते हैं। इस शेड्यूल में पूरा दिया गया है, 2 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक पूरा डेट दिया गया, इस डेट में आपको एडमिशन होगा, इस डेट में आपको मेरिट लिस्ट आएगा, इस डेट से आप स्लाइड अप कर सकते हैं, इस डेट में आपको कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया, यानी कि सारा चेंज गया। अब ये सारा हो गया, कैंसिल हो गया, अब फिर से एक नई डेट जारी होगी जिसमें ये सारा कुछ जारी होगा। अब न्यू नोटिस जब भी आएगी तो पूरी जानकारी उसमें रहेगी कि कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, कब सेकंड आएगी, कब थर्ड आएगी, कब स्पॉट एडमिशन होगी। अब नई डेट आएगी तो नई नोटिस अब जो होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ही वेट करना होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी नोटिस आएगी। अब कब जारी होगा इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट दोस्तों, जब भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगी तो आपको हम चैनल को थोड़ा वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन हाँ, मान के चलते हैं कि हम लगभग 1 वीक लग सकता है, यानी कि अब हो सकती है अब 10 जुलाई के बाद ही आपकी इसकी कोई प्रक्रिया हो, चाहे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो, चाहे उसकी एडमिशन हो, आप जो भी होगी आपकी अब 10 जुलाई के बाद ही होगी। क्योंकि 1 हफ्ता ले लीजिए, 3 से 7 दिन यानी कि 10 दिन ले लीजिए, तो 10 जुलाई के बाद ही इसकी कोई अपडेट लॉन्च होने की संभावना लग रहा है। बाकी न्यू एडमिशन जब भी होगी तो आपको सारा जानकारी हम बता देंगे। लगभग मान लीजिए 10 जुलाई के बाद 10 से 15 जुलाई के बीच में सारा प्रोसेस आ जाएगी। जब भी सारे प्रोसेस आते हैं, जिस तरह से पहले वीडियो बना के मैं बताया था किस डेट में एडमिशन होना है, किस डेट में काउंसलिंग के लिए क्या कहते हैं स्लाइड अप कर सकते हैं, किस डेट में क्या कहते हैं, सारा शेड्यूल जब भी आ जाएगा ऑप्शन तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि कम से कम आप 1 हफ्ता वेट करिए, 1 हफ्ता तक आप कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं जैसे ही न्यू शेड्यूल आते हैं आपको वीडियो बनाकर सारा जानकारी देते हैं। तो आई होप आपको हम सारा जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन ना डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।